और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी लाइव आए हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारी पूरी की पूरी ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि माननीय सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे, और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक क्या है। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है, लेकिन तकनीक में पारंगत होना, तकनीक को सकारात्मक भाव के साथ लेकर के, और प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, तकनीक को आम जनमानस के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण और फिर उसका अधिकाधिक सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेंगे इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन 2 वर्ष के बाद फिर से यहां पे प्राप्त हो रहा है। जनवरी 2020 में आप यहां पर एक कार्यक्रम के जिससे इसी सदन में संबोधित करने के लिए आए थे, जब तमाम विधानमंडलों से जुड़े हुए माननीय पदाधिकारी और स्पीकर से यहां पर उपस्थित होकर के कैसे हमें संसदीय कार्य प्रणाली को और भी मजबूत बनाना है, इस दिशा में एक स्वस्थ परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। 17वीं विधानसभा इस दिशा बहुत समृद्धशाली रही, यद्यपि 2 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों का वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए उसके प्रबंधन में व्यतीत हुआ, लेकिन उस संकट के दौर में भी, चुनौतियों के बीच में भी कैसे रास्ता बनाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में न केवल सरकार ने बल्कि विधानसभा ने भी अपने कोई सत्र बाधित नहीं होने दिया। हां, यह जरूर रहा कि हम लोग जो सदन की स्ट्रेंथ थी उतने माननीय सदस्यों को एक साथ यहां नहीं बिठा पाते थे। हमने वर्चुअल जुड़ने की भी परमिशन दी है, जो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं इसी बात के लिए उस समय भी स्थापित किए गए थे कि हम इस स्क्रीन का उपयोग कर सकें और कोई माननीय सदस्य जो 60 साल से ऊपर का है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर वह चाहे या अस्वस्थता की स्थिति में है तो वह चाहे तो वर्चुअली भी जुड़ करके सदन की कार्रवाई का मैं भागीदार बन सकता है। और उस समय भी सदन का कार्य हो सकता है कि हमने सदन की कार्यप्रणाली को नियमित चलाया, हां उसकी अवधि को सीमित किया गया, लेकिन सदन तब भी चला, सरकार ने अपनी सारी गतिविधियों को चलाया, कोविड प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया, उस चुनौती से जूझते हुए आज हम लोग एक नई विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 18वीं विधानसभा का गठन होना और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही ई विधान लागू होना और उसके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम, कल मैं स्वयं यहां पर आया था, मैंने पूरे सदन का अवलोकन किया था, माननीय सदस्यों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी देखा, और मैं आप सभी माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा, 128 नए सदस्य आए हैं, पुराने भी माननीय सदस्य बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये लगता रहा होगा कि हो सकता है कि इसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारी नहीं, यद्यपि हमारी ई कैबिनेट पहले से है, हमने ई बजट 2 वर्ष पहले ही प्रदेश में यहां लागू कर दिया था,
लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम तकनीक से भागे ना, उसको अंगीकार करें, हां उसका पिछलग्गू भी ना बने, क्योंकि बहुत बार होता यह है कि हम फिर जहां पे पब्लिक से इंटरेक्शन होना है, जनता के बीच में जाना है, फील्ड विजिट हमारे होते रहने चाहिए, क्षेत्र का विजिट होते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्र विजिट के लिए आप भी ये मान लें कि अब हम वर्चुअल ही सबसे संपर्क करके काम चलेगा, जनता से संवाद के लिए आपको प्रत्यक्ष जाना ही होगा, और नहीं तो वर्चुअल ही जलने की बात तो फिर जनता भी उस समय चुनाव के समय यही कहती है कि आप वर्चुअल ही वोट भी ले लेना, तो वह स्थिति कम से कम विधानसभा के मान्य सदस्यों के साथ नहीं जुड़ सकती है। हम उसके पिछलग्गू न बने, लेकिन हां अपनी सुविधा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग अगर हम करना प्रारंभ कर देंगे तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में बढ़ा है, एक जो नया विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता के जनता ने आप सब में व्यक्त किया है, उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं और पूरा देश और देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर जिन संभावनाओं को देख रहा है, इन संभावनाओं को सभी लोग मिलकर के अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की भूमिका को पूरी मजबूती के साथ और सही परिप्रेक्ष्य में लाने में सफल होंगे। प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान आप माननीय सदस्यगण अवश्य इसका प्रशिक्षण लें, सभी माननीय मंत्रीगण भी इसका प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके ई विधान का लाभ लें और फिर इसका उपयोग प्रदेश के विकास और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन में हम लोग अवश्य करें। इस विश्वास के साथ मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी का यहां पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति और ई विधान के प्रति मैं माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ई विधान लागू होने के बाद हम इस पूरी